जिला अमृतसर के निजी हस्पताल च बतौर नर्स ड्यूटी कर रही जिला तरन तारण के खेमकरण की रहने वाली ज्योति नामक लड़की ने बीते दिन सवेरे रहस्यमय तरीके खुदकुशी कर ली। हालांकि लड़की वालों खुदकुशी की गई है जां उसका कतल होया है यह तो जांच का विषय है, पर लड़की के परिवारक मैंबरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लड़की कदे भी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसका कतल होया। मृतक ज्योति की भैन वालों एक गल बोली गई कि मरण तो कुछ दिन पहला उसकी ज्योति नाल फोन पर गल हुई थी, ज्योति किसी भी तरीके परेशान नहीं लग रही। दूजे पास बिशप समूता दास ने कहा कि परिवार अज उन्होंने को इंसाफ की मांग करने लिया है। उन्होंने कहा कि ज्योति के उन्होंने परिवारक संबंध सन, वो पुलिस को मांग करते हैं कि इस मामले की बरीकी जांच की जाए। मेरा नाम है बिशप प्रदीप कुमार सामंतराय, मैं अमृतसर डाइस का बिशप हूँ और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में काम करता हूँ और हमारे जो डाइस से पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर एरिया में काम। जो ज्योति का मर्डर हुआ है, परिवार वालों का आरोप है कि मर्डर हुआ है, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो बोल रहा है सुसाइड किया गया। अब परिवार आपके पास मदद के लिए आया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जैसे कि बताया जा रहा है कि ये 16 को डेथ हुई और ज्योति जो है उसको मैं पर्सनली जानता था क्योंकि वो हमारे यूथ फेस्टिवल में भी आई थी और उसकी जो पढ़ाई के लिए वो डायसिस के तरफ चर्च की तरफ से मदद भी किया गया था। उसका जो ट्रेनिंग है उसका सारे खर्चा जो है वो चर्च के तरफ से दिया गया था, तो चर्च के साथ ज्योति का एक रिलेशनशिप रही। पर यहाँ जब वो काम कर रही थी अमृतसर में और उनके परिवार के लोगों को पता चला, तो अभी तो ये 16 को हुआ, मुझे जैसे कि आज फ़ोन आया कि हमारी मदद चाहिए, तो फिर पता चला कि ये यहाँ काफ़ी रोज भी प्रदर्शन किया कि वो सेटिस्फाइड नहीं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए। तो आज इसी के खेमकरण से हमारे पादरी साहब आए हैं, उनके साथ सारे कमेटी मेंबर्स आए हैं, लोग आए हैं, तो जो फोटोज़ उन्होंने दिखाया मैंने भी देखा। एक्चुअली मुझे मेरे मन में भी ये डाउट हो रहा है कि जो जितने सारे उसके शरीर में वुंड हैं उसे कैसे अपने आप को इतना जो टर्चर खुद ये तो सेल्फ टर्चर हो गया, तो ये डाउट तो ज़रूर है। पर अभी जो पुलिस की कार्रवाई है कि जो पोस्टमार्टम हुई है उसका रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए, क्योंकि जो भी सेक्शन पुलिस को लगाना है उसके ऊपर बेस करके लगाएंगे, ये तो फाइनल नहीं है। अभी भी जो भी लगाएं ये तो एसम्पशन पर लगाए हैं। सर, उनके पांव पे चींटियां भी बहुत सारी हैं, फोटो भी देखी है, क्या लगता है कि किसी ने कुछ जहरीली चीज़ दी होगी? देखिए, ये तो जो फोरेंसिक टेस्ट से ही पता चलेगा, जो जैसे मैंने कहा कि मैंने भी देखा, मुझे भी डाउट लग रहा है और कि हो सकता है कि उसके पीछे और भी कुछ है, तो ये तो मेरा काम नहीं है, ये जो पुलिस एंड प्रशासन ये उनका काम है। सर, आपकी तरफ से किस तरह का इंसाफ नहीं, मेरा ये जो कि देखिए अभी नंबर वन की जो परिवार के लोग हैं आपके सामने, उनकी माँ रो रही है, परिवार के लोग और रो रहे हैं और गांव में होल कम्युनिटी में जो अभी एक पूरा दुख छाया गया है, तो अभी उनको आश्वासन चाहिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप जो है पुलिस की जो कार्रवाई है वो सही होनी चाहिए और सही दिखाई देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नंबर दो कि उसके पीछे जो भी कनेक्टेड हैं उनको अप्रेंट करके उनकी स्टेटमेंट लेनी चाहिए, और क्योंकि हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हो, वट एवर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी होते हैं, तो वो उसका कम से कम पब्लिक को बताए कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उनको क्या मिला है। तो मेरा तो विश्वास है क्योंकि आज तक हमें पुलिस की भी मदद मिली है, प्रशासन की भी मदद मिली है, तो मेरा ये विश्वास है कि जो भी गवर्नमेंट के अंग हैं पुलिस एंड प्रशासन, ये मांग है कि उनको न्याय मिले, क्योंकि ये न्याय की बात है, ये एक लड़की की बात नहीं है। आज ये एक लड़की के प्रति ये कुछ ऐसे गलत हुआ है, तो कल और भी किसी की बेटी, किसी की लड़की, किसी के बहन के प्रति ये हो सकता है, तो इसको रोकना जो है हमारा काम है। तो इसलिए जितना तुरंत डिले से वो लॉस हो सकता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाए। बिशप जी, 304 का मामला दर्ज हुआ, लगता नहीं कि 302 का मामला दर्ज होना चाहिए था परिवार के बयानों के आधार पर? देखिए, पुलिस अपने विजडम में लगा है, परिवार के लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं हैं,
पर आई थिंक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि एक्चुअली ट्रूथ क्या है। सो वो तो पुलिस, मेरा विश्वास है कि वो चेंज भी करेंगी, जो भी फाइंडिंग होगी उसके ऊपर बेस करके चेंज भी करेंगी। दूजे पासे पुलिस का कहना कि इस मामले में लड़की के परिवारक मैंबर के बयान ले गए हैं, लड़की के पोस्टमार्टम तो बाद ही अगली बनती कार्रवाई की जाएगी। ये लड़की की डेथ संबंधी होया, इस वन से परचा असी रजिस्टर करता है 304 ए च, ठीक है। इनिशियल स्टेज से है, जो भी इन एविडेंस के एविडेंस सामने आने की गल कही जा रही है, उन्होंने कहा इन्हों की अनगहली कारण लड़की की मौत हुई है। हाँ जी, उस संबंध से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, बनती कार्रवाई अमल में ली जा रही है। जिला अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।